देखिए कितना अच्छा सब्जी बना, देखिए सच में आप लोग देख ही रहे कितना अच्छा सब्जी बना है। लाइट जलाकर हम दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लाल, वाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक रहे? हम भी ठीक हैं, मेरी दुआ है कि सब ठीक रहे। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू और परवल की। देखिए पहले हम इसमें जो है तेल रखेंगे, और उसमें पहले फ़ौरन रखेंगे इसमें, उसके बाद हम तेल रखेंगे। और यहाँ पे देखिए जो है गोश्त है भाई वाले, उसी का सब्जी बनाएंगे हम। ये कुर्बानी के गोश्त है, अभी तक तो 1 महीना होने जा रहा है, 10 रोज बाकी अभी 1 महीना में। तो अब इसमें हम रख देंगे प्याज, तेल और फ़ौरन रखने के बाद हम प्याज रख देंगे। प्याज लाल होने के बाद देखिए थोड़ा सा लाल होने देंगे, उसके बाद हम इसमें रखेंगे परवल। अब इसमें हम रख देंगे क्या बोलते हैं जो परवल और आलू मिक्स करके हम बनाएंगे। ये देखिए प्याज का बिरयानी अब होने वाला, ज्यादा लाल हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है अब हम रख दे रहे हैं परवल, आलू और परवल है। और उसके बाद हम जो है बकरीद के गोश्त जो है वही हम डालेंगे इसमें, ये अच्छे से भून जाएगी ना। उसके बाद हम मसाला रखेंगे, और उसके बाद हम गोश्त रखेंगे। बकरीद की गोश्त अभी तक है, 1 महीना हो गया, 1 महीने से अभी खराब नहीं हुआ है गोश्त, नहीं वो अभी ओझरी है। ओझरी ओझरी को हम ऐसा लाल से भुने थे ना जो खराब नहीं, एकदम ऐठ गया हुआ। ये देखिए गोश्त ऐठ गया हुआ, इतना सा हम रख देंगे, थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। आज हम ना यहाँ पे बोरा बिछा दिए, यहाँ पे पानी वगैरह गिर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम बोरा बिछा दिए यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में भी, और घिन भी नहीं आएगा, पानी गिर जाने से अच्छा नहीं लगता रहता। और ये देखिए परवल थोड़ा सा और भुनाएगा, ये देखिए इतना भुना लिया। ये देखिए थोड़ा सा और भून देंगे, जितना भुना रहेगा ना सब्जी उतना ही थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। अब गोश्त तो भुना हुआ है, उसको तो नहीं भुनना पड़ेगा ना, वो तो भुना है ना, हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं भुनाना है, मेरा भाषा यही भुनाना है। ये गिलास में अभी देखिए इसमें लहसुन, जो है ना कूटते हैं, उतना अच्छा सा अभी नहीं कूटा हुआ है, थोड़ा और अच्छा से कूट लेंगे। अब कौन जाएगा सिलौटी पर पीसने के लिए, जब ज्यादा इसके तो लगने लगता है तो इसी में कूट लेते हैं। एक कली को हम जाएंगे जहाँ आधा इधर आधा उधर, इसी में अपना कूट लेते हैं। मिक्सर अभी खराब हो गया है, मिक्सर में भी थोड़ा मसाला पीसने में अच्छा नहीं होता, इसीलिए इसी में हम गिलासे में कूट लेते हैं। मेरे मोबाइल में ना बहुत सी प्रॉब्लम है, रहता रहता है, हैंग करने लगता है। तो ये देखिए ये लहसुन कुटा हुआ हम रख देंगे,
यहाँ पे हम लहसुन रख करके और जो है थोड़ा सा और भून लेंगे, थोड़ा सा और भून लेंगे हम। मेरे मोबाइल का वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, वीडियो ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए हैंग कर रहा, काम नहीं कर रहा है सही से। अब हम इसमें रखेंगे थोड़ा मसाला, अपने हिसाब से जितना जितना मसाला पड़ेगा उतना उतना हम मसाला रख देंगे। तो जितना मसाला इसमें पड़ेगा ना उतना मसाला हम इसमें रख दिए। आहिल रो रहा है, मोबाइल मांग रहा है कार्टून देखने के लिए। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तो देखिए इसमें मसाला रख के भून देंगे थोड़ा, उसके बाद हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम रखेंगे पानी, फिर ले जाओ उधर। एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से चलाना वलाना सारे काम करना, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी बनाते हैं। तो देखिए समझिए मसाला तो भून चुका है। अब इसमें हम रखेंगे गोश्त। तो देखिए यहाँ पे हम रख रहे हैं ऊपर से गोश्त, गोश्त का रख करके नमक रखना भूल गए, नमक भी इसमें रख देते हैं। देखिए नमक भी इसमें रख दिए हैं, ज्यादा नहीं रखे हैं, ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा नमक हो जाएगा तो खाया पर नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा कम ही रखेंगे, इतना रखेंगे कि हाँ ज्यादा नमक नहीं है। पानी रख रहे हैं कि जितना में गोश्त भी गल जाए और परवल भी गल जाए, मेरे हिसाब का खाना देखने में तभी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। तो इसमें ढक्कन अब लगा दिए हैं, देखिए थोड़ा गैस को कम कर देंगे अभी और इसी पे हम गलने देंगे। इसके बाद पूरे पानी सूखने के बाद हम जितना हम सिरवा रखेंगे उतना पानी हम फिर रख करके और सब्जी बन जाएगा तैयार। देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है, देखिए सच में आप लोग देख ही रहे कितना अच्छा सब्जी बना है, लाइट जलाकर हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लाल, वाव। अगर मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज, गुड बाय, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, फकत अस्सलाम।